दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 82% लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों हटाएंगे, अरविंद केजरीवाल। उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑर्डिनेंस जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को देश के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट शामिल नहीं हुए। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और उन जिलाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने जो सूची उम्मीदवार दी है वो बहुत ही दुखदायी है। भारतीय दंड संहिता की कोई ऐसी धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दी। चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में आएगा। ब्रजेश पाठक। टीपू सुल्तान को लेकर अब मुंबई में छिड़ी जंग। एक मैदान के नामकरण को लेकर आमने सामने आई विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस। केरल, अभिनेता दिलीप लगातार तीसरे दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल 24 जनवरी उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र के वर्धा में पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक के बेटे सहित 7 मेडिकल छात्रों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 255,874 नए मामले आए और 267,753 रिकवरी हुई और 614 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लुधियाना, मॉडल अभिनव शुक्ला के चाचा के बेटे पर एक माह पहले पठानकोट में हुए हमले के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। अभिनव ने जब इस मामले में डीजीपी और पंजाब पुलिस को ट्वीट किया तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एक माह पुराने मामले में अब केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 के प्रतिभागी रहे अभिनव ने ट्विटर पर शेयर पोस्ट में लिखा, मेरे चचेरे भाई जब बेहोश थे तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। सिद्धू को मंत्री बनवाने के लिए पाकिस्तान से आई थी सिफारिश, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जेपी नड्डा तय करेंगे गोवा, उत्तराखंड और पंजाब के बाकी उम्मीदवारों ने नाम, भाजपा ने किया अधिकृत। विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की सास भी लड़ेंगी चुनाव, सपा कांग्रेस ने दिया ऑफर तो कानपुर में बढ़ गई सियासी हलचल। यूपी इलेक्शन 2022 रामपुर, समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। रामपुर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर आजम के सामने कांग्रेस ने नवाब परिवार के कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने काजिम अली खान को टिकट दिया है। उत्तराखंड इलेक्शंस, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार को फिर विदेश से धमकी भरे फोन आए।
फोन पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे और उनमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने का जिक्र था। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगाने की भी बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR को विदेश से धमकी भरे फोन आने का ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 3 बार ऐसे फोन आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश गणतंत्र दिवस से पहले शिमला में जवानों ने ठंड और बर्फ के बीच परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल किया। मुंबई में स्कूल शुरू हो गए हैं। स्कूलों के संचालन के लिए पुराने नियम ही लागू है। जिन बच्चों के अभिभावक अनुमति देंगे वहीं बच्चे स्कूल जाएंगे। बेंच के बीच में 2 फुट की दूरी रहेगी। कक्षाओं में बच्चों की संख्या का फैसला स्कूल प्रबंधन तय करेगा। मेयर किशोरी पेडनेकर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में पुलिस अधिकारियों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया है। वहीं मारे गए कथित नक्सली के परिजनों ने उसके नक्सली संगठन से जुड़े होने से इनकार करते हुए उसे किसान बताया है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल ने सोमवार को बताया कि जिले के भरेंडा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले बम विस्फोट की घटना हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नक्सली गणतंत्र दिवस पर ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली में फिर माहौल बिगाड़ सकते हैं देश विरोधी तत्व, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश चंबा में लगातार हिमपात के कारण बर्फ की मोटी परत जम गई है। स्थानीय लोग सड़कों से बर्फ को हटाते हुए दिखे।